अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? वेलकम टू मेडिसिन वर्ल्ड पीके विद डॉक्टर अहमद सलमान। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपका वक़्त बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। माजरत आपसे करना चाहूँगा, कुछ डिले रहा, कुछ मैं आपसे दूर रहा। उसकी वजह ये थी कि मेरी तबीयत ख़राब थी और जैसा कि हम सब परहेज़ नहीं करते और सर्दी में नहीं बचते, तो मुझे भी इसी तरह कुछ इन्फेक्शन चल रहा था और मैं एक टाइमली आपके सामने वीडियोस नहीं बना सका। तो अब इंशाल्लाह आपकी दुआओं से मैं ठीक हूँ। रेगुलरली आपको वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। तो लास्ट वीक का व्यूअर्स हमने मिस किया था, जैसा कि वीकली आपको प्राइस अपडेट बताई जाती है, वो मेडिसिन जिनकी प्राइस बढ़ी है, जैसा कि बहुत सी प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, तो मैं वीकली अपडेट्स आपके लिए लेकर आता हूँ कि लास्ट वीक में कौन कौन सी मेडिसिन की प्राइस इंक्रीज हुई। तो व्यूअर्स, चलते हैं हम वो मेडिसिन डिस्कस करते हैं जो कि लास्ट वीक पर महंगी हुई। एक ट्रेंड देखने में आ रहा है कि ओवरऑल तो सब ही मेडिसिन की प्राइस आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही है, लेकिन ख़ास तौर पे उन लोगों को अफेक्ट होगा जो कि डायबिटिक्स हैं और डायबिटीज़ की दवाइयाँ खा रहे हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज आ रहा है और उनको फ़र्क भी इसलिए ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि उनकी फॉर अ लॉन्ग टर्म थेरेपी चलती है। बाकी मेडिसिन हैं, एंटीबायोटिक्स महंगी हुई, कफ सिरप महंगे हुए, आपने वन टाइम खरीदनी है एंड दैट्स ऑल। लेकिन जो डायबिटीज़ और बीपी के पेशेंट्स हैं उनके लिए डेफिनेटली एक बड़ा प्राइस इंक्रीज बन जाता है। अगर हम उनके पूरे महीने की डोज को कैलकुलेट करें तो काफ़ी बड़ा इंक्रीज आ जाता है। सो व्यूअर्स, चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि लास्ट वीक में कौन सी मेडिसिन की प्राइसेज इंक्रीज हुई। इसमें व्यूअर्स सबसे पहले ESO-40 कैप्सूल बड़े कॉमन है, हर घर में इस्तेमाल होते हैं। 440 से 480 का हो गया है पैक। उसके बाद लैकासिल सिरप जो कि कॉन्स्टिपेशन में इस्तेमाल होता है, वो 230 से 265 रुपीज़ का हो गया है। उसके अलावा रोंडेक कफ सिरप जो एबट का है, वो 126 से 139 रुपीज़ का हो गया है। उसके अलावा सीटाग्लूमेट, अगेन जैसे हमने बात की कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उसमें 50/1000 वाली, 435 से 478 रुपीज़ का हो गया है पैक। उसके अलावा सनी डी इंजेक्शन 175 से 190 रुपीज़। उसके अलावा अगेन शुगर से रिलेटेड, डायबिटीज से रिलेटेड, गैट्रिल 2 टैबलेट्स 260 रुपीज़ से 291 रुपीज़ का पैक हो गया है। उसके बाद जार्डी 25 मिलीग्राम जो कि एक नया सॉल्ट है, नया ब्रांड है, और अगेन ये भी डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए ही मार्केट में लॉन्च किया गया है। इस पे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं वीडियो बनाऊंगा, आप देख सकते हैं कि इसमें क्या नई चीज़ है, इसमें कौन सा नया सॉल्ट है और उसकी डिटेल हम डिस्कस करेंगे। तो जार्डी 25 मिलीग्राम 425 से 470 रुपीज़ का पैक हो गया है। वाइगामॉक्स काफ़ी कॉमन एंटीबायोटिक हैं, आई ड्रॉप्स हैं, वो 514 रुपीज़ से 550 रुपीज़ के हो गए हैं। और लो प्लेट 75 mg टैबलेट्स, अगेन जो कि बुज़ुर्ग हज़रात हैं, कोलेस्ट्रॉल के लिए क्लोपिडोग्रिल हर घर में इस्तेमाल होती है, सो लो प्लेट 75 mg टैबलेट्स 195 से 215 रुपीज़ की हो गई हैं। तो ये था व्यूअर्स लास्ट वीक की प्राइस इंक्रीज़ जो हमने एपिसोड मिस की। इसका पार्ट टू आप कल देख सकेंगे और देख सकेंगे कि लास्ट 5 डेज में कौन सी मेडिसिन की प्राइस इंक्रीज हुई है। सो इसी तरह की मेडिसिन से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए, मेडिकल रिव्यूज़ के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपनी दुआओं में डॉक्टर अहमद सलमान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।